स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटरजोन पे और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों फाइनली टाटा के एक्टिव डॉट ईवी प्लेटफॉर्म पे सेकंड गाड़ी हैरियर डॉट ईवी ऑलमोस्ट रेडी प्रोडक्शन जो आपको सामने दिख रही है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको जो ऑटो एक्सपो 2023 हुआ था इसके अंदर हमने इसका कंसेप्ट वेरियंट दिखाया था। अब ये ऑलमोस्ट फाइनली जो है रेडी प्रोडक्शन के अंदर जो है गाड़ी आ चुकी है ऑटो एक्सपो 2024 भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो, उसके अंदर ये जो है अपनी डिस्प्ले की गई है, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीछे से बात करें तो यहाँ पे ऊपर जो आपको ये स्पॉइलर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, डिफोगर है, वाइपर है, और यहाँ पे ये जो है कनेक्टेड लाइट्स देखने को मिल जाएगी विद जो है ये आ रहा है नया वाला हैरियर का डिज़ाइन, और यहाँ पे जो है नया वाला लोगो टाटा का वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और इधर जो है 360 डिग्री कैमरा का जो पीछे का कैमरा है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हैरियर डॉट ईवी जो वो डार्क कलर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, और पीछे है यहाँ पर ये नया सा डिज़ाइन दिया गया स्पॉइलर का, और ये जो है आपको दो पार्किंग सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो पीछे से जो कुछ इस टाइप से आपको इसका डिज़ाइन है लगभग ऑलमोस्ट जो है सेम ही है जैसा अपना पहले वाली नॉर्मल हैरियर आती थी। यहाँ पे आपको जो ये इसके अंदर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे, आपको इसको नीचे से दिखाता हूँ एक बार, देख रहे हो आप इसके अंदर ये है ऑल व्हील ड्राइव। मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऑल व्हील ड्राइव है ये, और इसके अंदर जो डबल मोटर आपको देखने को मिलेगी, एक फ्रंट में लगी हुई होगी और एक ये जो नीचे दूसरी मोटर लगी हुई है, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव के अंदर आपको दो मोटर की जरूरत पड़ती है और प्रॉपर प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव आपको देखने को मिलेगी, जो बेस वेरिएंट्स आएंगे उसमें नहीं मिलेगी। इवन दो टाटा के जो नॉर्मल डीजल वेरिएंट्स आते हैं उसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, बट ये जो इसका जो है ईवी वेरिएंट है इसमें इन्होंने ऑल व्हील ड्राइव का ही ऑफर किया। ये नीचे का बैटरी पैक है, बट इसका एक बैटरी पैक की कहानी ये भी है कि ये जो काफ़ी जो है मतलब निकला हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जो है ये वंडरर के टायर MRF के टायर दिए गए हैं, जिसके ऊपर जो है जैसे टाटा वाले देते आ रहे हैं जनरली, जो अपना क्या बोलते हैं इसको डिज़ाइन ईवी के अंदर दे रहे हैं अलॉय व्हील के डिज़ाइन वही दे रहे हैं। यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट इन्होंने इधर भी दिया है, एक बार देखने वाली बात है इधर भी इन्होंने क्या पोर्ट दी है क्या नहीं दी। हाँ कई बार क्या करते हैं ये कंसेप्ट वेरिएंट ला के खड़े कर देते हैं, ये अलॉय व्हील का डिज़ाइन देख रहे हो आप, काफ़ी यूज ईवी स्पेसिफिक जो है ये अलॉय व्हील आपको देखने को मिलते हैं, जो 19 इंच के अलॉय व्हील आते हैं, और ये पूरा हैरियर ईवी का रियर का लुक आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से। आप देख रहे हो ये हैरियर ईवी का ये लुक देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं इसके साइड से, साइड के अंदर आप देखोगे तो चीज़ें लगभग सेम ही हैं। यहाँ पे आपको जो है ये चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगी, जैसे पंच के अंदर इन्होंने आगे पोर्ट दी थी, यहाँ पे एक्टिव प्लेटफॉर्म पे इन्होंने यहाँ पे पोर्ट दे दी है। डोर हैंडल सेम ही है, इसके अंदर जो डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा ड्राइवर डोर हैंडल पे, और बाकी चीज़ें सेम ही। अभी मैं एक बार मोटर दिखा देता हूँ यहाँ से आपको, देख रहे हो आप, सॉरी अभी मैं आपको इसकी बैटरी पैक दिखा देता हूँ। अब ये चीज़ तो श्योर है कि बैटरी पैक है वो नेक्सोन से बड़ा होगा, तो नेक्सोन का जो बैटरी पैक है वो 40 किलोवाट का है, तो इसका बैटरी पैक लगभग 50 किलोवाट या 60 किलोवाट या फिर हो सकता है 50 और 60 दोनों में आ जाए। कंपनी ने अभी कोई ऐसा रिवील नहीं किया है, ये मैं आइडिया मार रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है, बट इसका तो बैटरी पैक देखोगे ना आप नीचे से काफ़ी दिख रहा है। मैं एक बार इधर करके दिखाता हूँ आपको, देख लो कितना जो नीचे दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए भैया। पंच के अंदर इन्होंने जो बैटरी पैक है पूरा हाइड कर दिया था, और यहाँ पे जो है ये बैटरी पैक पूरा दिखा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा कैमरा घुमा दिया है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको इस हिसाब से, वो देख रहे हो ये नहीं होना चाहिए। हालांकि ऑल व्हील ड्राइव है, अच्छा इसके अंदर पावर आएगा, 600 NM का लगभग जो है टॉर्क आपको देखने को मिलेगा, बट फिर भी बैटरी पैक जो है काफ़ी दिख रहा है इसके अंदर, विजिबल हो रहा है। डॉट ईवी की आपको यहाँ पे बेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, हैरियर का ये जो है पूरा है, साइड का लुक का मैंने दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका फ्रंट लुक, टायर वगैरह मैंने दिखा दिए, यहाँ पे आप फ्रंट में देखोगे ना भाई, ये है फ्रंट का लुक हैरियर डॉट ईवी का। कनेक्टेड लाइट्स आपको DRL के साथ मिल जाएंगी, वेलकम और गुड बाय फंक्शन के साथ आएगी, प्लस चार्जिंग जैसे जैसे जितना चार्ज होगा, जैसे ही आप चार्जिंग लगाते हो कितने परसेंटेज है उस हिसाब से आएगी, और ये इधर और इधर ये चार्जिंग परसेंटेज के हिसाब से ये चलती जाएगी। और यहाँ पे जो टाटा का नया लोगो, नीचे 360 डिग्री कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, और ये ADAS के साथ आएगी, देख लो ये ADAS का यहाँ पे सेंसर रडार बेस सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो डिज़ाइन है ना ये हैरियर के अंदर कुछ नया है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसको बोल्ड अग्रेसिव सा लुक देता है। दो पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, LED फॉग लैंप, और ये जो है ना यहाँ पे एरोडायनामिक्स के लिए, इसको ईवी को ज़्यादा रेंज निकालने के लिए, कूलिंग वगैरह के लिए ये देखने को मिलेगा। ये पूरा इधर से आपको इसका पूरा डिज़ाइन देख रहे हो ना, हैरियर ईवी का कुछ इस टाइप से आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ना, इट्स सेल्फ डायनामिक रेंज एलिगेंट करेक्टरिस्ट, ये कुछ नहीं, इट बोल्ड पावरफुल इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिकल ऑल व्हील ड्राइव SUV
बोर्न फ्रॉम डिस्टिंग्विश इंडियन बेस्ड ऑन द कटिंग एज ईवी आर्किटेक्चर, प्योर ईवी आर्किटेक्चर पर ये बनी हुई है ऑफर अनकवर। देखते हैं क्या कुछ है, आएगी तभी आएगी, अभी इसके अंदर कुछ भी, इसके कितना बैटरी पैक है, कितनी रेंज आएगी, क्या कुछ है वो नहीं है। बट मेरा जो आइडिया है, ये जो 50 और 60 किलोवाट की जो रेंज आएगी, ये 400 और 500 जो है रियल लाइफ में रेंज अपनी निकाल के दे देगी आराम से। और प्राइस की अगर आप एस्टिमेटली बात करें ना, तो इसका जो प्राइस है एस्टिमेट अपना 20 लाख रुपए इसका हेरियर का टॉप एंड वेरिएंट जाता है, तो लगभग वहीं से स्टार्ट होगा, 20-21 के आसपास इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होगा और इसका टॉप एंड वेरिएंट जाते जाते 30 के आसपास ये हेरियर का टॉप एंड वेरिएंट ईवी के अंदर पहुँच सकता है। देखो लॉन्च होगी तब की कहानी अलग है, बट मैं अभी एस्टिमेट बता रहा हूँ। और अगर इसकी इंटीरियर की बात करें ना, तो इंटीरियर सेम वही है जो हेरियर का था हमारा, देख रहे हो आप, थोड़ा सा इंटीरियर चेंज हो गया है। 10.25 इंच की डिस्प्ले है, वही डबल जो स्टेयरिंग व्हील है, नया वाला स्टेयरिंग व्हील है। और ये देख रहे हो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला आपको जो है इसके अंदर गियर शिफ्टर के लिए आपको वही देखने को मिल जाएगा। अंदर से इंटीरियर थोड़ा चेंज, वैसे कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो सकते हैं, बट बाकी फीचर्स वगैरह आपको सेम ही देखने को मिलेंगे इसके अंदर। सेम जो हेरियर के अंदर आ रहे हैं वही आएंगे, और बाकी कुछ ईवी नेक्सॉन ईवी से जो अपना है वो ले ली जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से इसका हेरियर ईवी का मैंने आपको चीज़ें दिखाई है। इसके अलावा जो है ईवी के अंदर अपना पंच ईवी जो है अपनी लाइनअप पे है ही, वो आपको मैंने वीडियो काफ़ी दिखाई है। अब जो है इसका हेरियर जो सॉरी अब जो है नेक्सॉन का जो है ईवी के अंदर डार्क एडिशन भी आ गया है, काफ़ी अच्छा फीचर्स के साथ आती है ये गाड़ी। और ये पंच ईवी है। हाँ, एक चीज़ और, जो हेरियर ईवी आएगा इसके अंदर ये भी आएगा V12 और V2V, जो व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू जो है व्हीकल भी आप जो है चार्ज कर सकते हो, वो भी फंक्शन आपको जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाकी ईवी के बारे में आपको पता ही है, हमने सारी चीज़ें बता रखी है। चार्जर जो है ये 7.2 किलोवाट का चार्जर भी सपोर्ट करेगा, 11 किलोवाट हेरियर ईवी है, बड़ी बैटरी पैक के साथ आएगी, तो ये 11 किलोवाट भी चार्जर जो है सपोर्ट कर सकती है। और वो जैसे फास्ट चार्जर की बात करें तो ये जो है लगभग 60 किलोवाट तक की चार्जिंग कैपेसिटी के साथ ये सपोर्ट कर सकती है। तो बाकी रियल में जो आएगा तो बताएंगे, बट बैटरी पैक मेरे को अभी भी लग रहा है कि इतनी क्यों डिस्प्ले किया, देख रहे हो आप, ये बहुत ज़्यादा बैटरी पैक है यार इन्होंने डिस्प्ले कर रखी है। तो ये था मोटा मोटा हेरियर ईवी के बारे में, जो रेडी टू प्रोडक्शन वेरियंट है, मिड 2024 तक ये लॉन्च कर दी जाएगी। लॉन्च करने के बाद में आपको इसका ड्राइव रिव्यू, टेस्ट और डिटेल का, इंटीरियर वगैरह सारी चीज़ें बता दी जाएगी। और यही था, कुछ रह गया तो बताना मुझे कमेंट करके, और हेरियर ईवी का वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। और बाकी जो है देखो ये आने वाली है जल्दी मार्केट के अंदर, तो आप जो है देख लेना, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेगी। देखो यहाँ से एक बार फिर मैं आपको दिखाऊँ इंटीरियर, देखो ये है हेरियर ईवी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।